दिनों दिन हत्याओं के मामलों में इजाफा देखा जा रहा था, जिसमें बुधवार को दिन दहाड़े हुई हत्या का भी समावेश था। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि इस प्रकरण में 6 आरोपियों को पाचपावली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, वही एक आरोपी अभी भी फरार है। शहर में बुधवार को लश्करी बाग परिसर में दिन दहाड़े गोल्डी शंभरकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को 7 आरोपियों ने अंजाम दिया था। इन 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को पाचपावली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जहांगीर खान भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही जहांगीर ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने कबूलनामे में बताया है कि मृतक गोल्डी शंभरकर जहांगीर की हत्या करने वाला था। इसी डर से जहांगीर ने अपने दोस्तों के साथ गोल्डी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही जहांगीर ने 2017 में लखड़गंज थाना क्षेत्र में चोरी की थी, जिसकी जानकारी गोल्डी के दोस्त सलमान को थी। ये जानकारी खुद जहांगीर ने शराब के नशे में सलमान को दी थी। सलमान ने ये जानकारी पुलिस को दी और जहांगीर को जेल की हवा खानी पड़ी। सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 7 आरोपी आहे, त्यापैकी आम्ही 6 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यात एक आरोपी अजून सापडलेला नाही आहे, आम्ही त्याच्या मागावर आहोत, लवकरच मिळेल तो। मरणाचे कारण यातील जे अटक आरोपी आहे त्यांना विचारलं आम्ही, त्यापैकी जो मुख्य आरोपी आहे जहांगीर खान उर्फ सुन्ना हाफिज खान, हा असं सांगत आहे की तो जो मयत आहे गोल्डी शंभरकर हा त्याचा जीव घेणार होता किंवा त्याला मारणार होता, आणि त्या भीतीमुळे त्याने त्या मयताला मारलेलं आहे असं त्यांनी कारण सांगितलेलं आहे। त्यामध्ये आरोपींनी असं सांगितलं की 2017 त्यांनी लखडगंज पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये 394 जबरी चोरीचा गुन्हा केला होता। त्याची माहिती जो मयत आहे गोल्डी शंभरकर त्याच्या मित्राने पोलिसांना दिली होती, आणि तो पोलिसांनी मग त्याच्याकडून तो गुन्हा डिटेक्ट केला होता। त्याचा राग मनात धरून सलमान नावाचा जो त्याचा मित्र आहे त्याला त्यांनी सांगितलं होतं नशेच्या परिस्थितीमध्ये की मी तो गुन्हा केलेला आहे, आणि त्या सलमाननी याला माहिती पोलिसांना माहिती दिली होती आणि पोलिसांनी मग त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये अटक केली होती। इस मामले में 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक आरोपी की तलाश जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।